क्लासरूम कंट्रोल क्लासरूम रूम कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट विदाउट क्लासरूम कंट्रोल देयर कैन बी नो क्लासरूम मैनेजमेंट आइए देखते हैं कि क्लासरूम कंट्रोल में टीचर्स और स्टूडेंट्स की क्या जिम्मेदारियां हैं हु इज द बिगेस्ट सोर्स टू हैव क्लासरूम कंट्रोल टीचर इज द बिगेस्ट सोर्स टू हैव क्लास कंट्रोल टीचर के जरिए क्लास कंट्रोल आता है और उसके बाद स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं तो टीचर्स आर द बिगेस्ट सोर्सेस टू मेंटेन क्लासरूम कंट्रोल इसके अलावा टीचर्स की जिम्मेदारियां क्या हैं जब क्लासरूम कंट्रोल की बात आती है तो टीचर्स को क्लास में क्या करना चाहिए सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर इज़ अथॉरिटेटिव इन द क्लासरूम स्टूडेंट्स मस्ट फील द प्रेजेंस ऑफ द टीचर टीचर मस्ट बी इन फुल कंट्रोल दैट इज़ वॉट शू कॉल बींग अथॉरिटेटिव इन द्लास रूम स्टूडेंट्स को यह पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने उसताद की बात माननी है उसताद को भी ये पता होना चाहिए कि उसने अपने स्टूडेंट से बात कैसे मनवानी है सो बींग अथॉरिटेटिव इन द्लास रूम इज़ द फोर मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इसके अलावा टीचर के लिए यह बहुत ज़रूरी है दैट ही और शी इज इन कमांड उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसने अपने लेसन प्लान को लेकर कैसे चलना है और उसके लेसन प्लान के कितने हिस्से हैं और इसके अलावा स्टूडेंट्स को दौरान लेसन प्लान के कैसे बिहेव करना है एक्टिविटीज़ को हम कैसे करना है तो इसके लिए फुल कमांड का होना बहुत ज़रूरी है अपने सब्जेक्ट पर अबूर होना पैडागॉजी के ऊपर अबूर होना मैनेजमेंट के ऊपर अबूर होना ये सब चीज़ें मिलकर टीचर को कमांड करती हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर को फिर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं सो क्लासरूम कंट्रोल जो है वो टीचर so का बहुत जरूरी है कि इन कमांड हो सो दैट क्लासरूम कंट्रोल इज पॉसिबल इसके अलावा टीचर का ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर टू बी ऑर्गेनाइज इन द रूम अगेन इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कहाँ कहाँ पर वाजे होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो हैं थ्रू द लेसन प्लान जो हैं वो है वो वाजह होती हैं दैट टीचर अगेन इफ़ शी इज़ वेल ऑर्गेनाइज तो उसके साथ लेसन प्लान जो है वो बहुत बेहतर तरीके के साथ अनरोल होगा टी स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करेंगे इसके इस, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर जो है वो क्लास रूम में लेसन पढ़ाने से पहले फुली प्रिपेयर्ड आए उसको पता हो कि स्टेप्स क्या हैं और किस स्टेप के ऊपर स्टूडेंट की क्या इन्वॉलमेंट है ऑर्गनाइजेशनल स्किल्स आर हाईली इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लेसन डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट अब हमने यहां पर देखा कि इसाथसा की क्या जिम्मेदारी है इसाथा बेहतर तरीके के साथ क्लासरूम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और उसके लिए उनके लिए कौन सी स्किल्स जरूरी हैं आइए अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं क्लासरूम में बेहतर तरीके से बैठने पे और उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं जहां पर क्लासरूम कंट्रोल की बात आती है सो so, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो हैं दे नीड टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर हम बात को लिंक करते हैं हिडन करिकुलम से हिडन करिकुलम जो है वो स्टूडेंट को ये सिखाता है कि उसने बिहेव कैसे करना है उसने जो है वो कौन से रूल्स जो हैं वो बग़ैर बताए फॉलो करने हैं ये सब बातें बच्चा जो है वो हिडन करिकुलम के तहत सीखता है और वो उसको ये सिखाता है कि क्लासरूम में जो है वो किस तरह बिहेव करना है सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स थ्रू फॉलोइंग द हिडन करिकुलम दैट इज मैनिफेस्टेड थ्रू द बिहेवियर पैटर्न ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द स्कूल इसके अलावा स्टूडेंट्स दे नीड टू फॉलो रूल्स विच आर म्यूचुअली कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वंस दे आर म्यूचुअली कंस्ट्रक्टेड By the students and teachers, then they need to be followed by both, both of them. Teacher ke liye bhi hai ke wo rules ko follow kare, students ke liye bhi hai ke wo rules ko follow kare, so that an effective classroom control is possible. Students, they need to respect their teachers. That again comes through the hidden curriculum. Without respecting the teacher in the classroom, there can be no classroom control. So it is very important. फॉर स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है दैट स्टूडेंट्स दे नीड टू टेक केयर ऑफ़ देयर पीयर्स अपने जो साथी हैं उनके क्लासरूम में बैठे हुए उनको उनको लुकआफ्ट करना उनकी नीड्स को देखना और उनके साथ अच्छी तरह उनके साथ अच्छा सलूक करना ये सब जो है वो कहलाता है टेकिंग केयर ऑफ़ पीयर्स अगेन इसमें सोशल इमोशनल लर्निंग का जो एस्पेक्ट है वो नुमाया है और स्टूडेंट्स जो हैं अगेन थ्रू मैनिफेस्टेशन ऑफ द हिटन करिकुलम दे नीड टू नो दिज बिहेवियर्स सो इफेक्टिव क्लासरूम कंट्रोल के लिए यह बहुत जरूरी है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो चंद इम्पॉर्टेंट कवानीन को फॉलो करें सो दैट इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग कैन गो ऑन इन द क्लासरूम